उत्पादन को देश के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने के लिए निरंतर है प्रयासरत। इसी क्रम में उत्तर रेलवे की दिल्ली मंडल ने 65.843 मीट्रिक टन बाजरा देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार और किसान दोनों मेहनत कर रहे हैं। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन को दे रहे हैं बढ़ावा। इसी को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन को दिया कृषि का दर्जा। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई कम क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष खरीफ की फसल बुआई 7% कम हुई है, जिसकी वजह मानसून को माना जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अब तक 1,186 परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिसमें फंड प्राप्त करने वाले राज्यों में सबसे अधिक राशि मध्य प्रदेश की परियोजनाओं को की गई है आवंटित। जम्मू कश्मीर सरकार ने 1,802 लाख हेक्टर में 14 लाख पौधे लगाने की रूपरेखा की तैयार। सर्दी के मौसम में 1,109 हेक्टर में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य किया गया है निर्धारित। सरकार ने प्रदेश में घटती वनस्पति के मद्देनजर ये कदम उठाया।